I talk about drugs to him. I talk about everything that is important. And I think ये हम जब 11 साल के थे तो 11 साल नहीं थे, हम 8 साल के थे. हमारे पेरेंट्स ने हमको ऐसे शायद दुनियादारी से बचा के रखा. आजकल के जो 11 साल के बच्चे हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया, वो 18 साल के हो चुके. आई थिंक ये मैसेज सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये आदमियों के लिए भी है. हाय, मैं हूँ दलजीत कौर और आप मुझे देख रहे हैं टेली बाइट्स पे. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू शो. काफ़ी लंबे समय बाद एक नए अंदाज में कहूँ तो, हम कहते हैं ना कि विलन का कैरेक्टर जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि तभी मतलब हीरो होगा तब हम किसे कहेंगे विलन. सो ट्रू. तो आपका जो कैरेक्टर है, मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है, सेंसिटिव भी दिख रहा है, और कितने सारे वर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं. क्या कहना चाहेंगे इस कैरेक्टर को हाँ करने की वजह क्या है, क्योंकि काफ़ी आपने टीवी में भी काम किया है, कई सारे शोज, बॉलीवुड में भी, हर एक चीज़ मतलब ओवरऑल आपने सब कर लिया है. तो ये कैरेक्टर के लिए आपने हाँ क्यों कहा, और मतलब क्या ऐसा हार्ट टचिंग था जो आपको छू गया कि नहीं, आई हैव टू डू इट. आई थिंक ये जितने भी एक्टर्स अगर ये इंटरव्यू देख रहे होंगे सब मानेंगे कि ये एक ड्रीम रोल है. किसी भी एक्टर को एक ऐसा रोल मिले जिसके लिए आपको वाकई में वर्कशॉप्स करनी पड़े, समझना पड़े, रिसर्च करनी पड़े, उसकी इंटेंसिटी को जानना पड़े. तो इट वाज अ कंप्लीट रिसर्च बेस्ड थिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे पहले तो ये था कि चिट्टा क्या होता है, इसको लेते कैसे, करते क्या है इसका. तो वो एक मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग भी था कि होगा क्या, मतलब करना क्या, ये होते कैसे, मतलब क्या ज़मीन पे बैठ के लेते हैं कि ये मतलब हाई फाई तरीके से लेते हैं, इसको नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, कहाँ से ले, यू नो, इट्स अ, क्योंकि आई थिंक हर ड्रग को लेने के तरीके अलग हैं. जो मैंने अभी इसके उसमें समझा कि स्निफ करते हैं, जो तो बहुत ग्लोरीफाइड भी हम हॉलीवुड फिल्म्स और उसमें देखते हैं. इसको बड़ा वियर्ड सा था कि इसको फॉयल के ऊपर डालते हैं, और ये हम तो पिसी हुई शुगर से कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो चिट्टा, इट्स वाइट, तो वाइट इज़ बेसिकली सफ़ेद, सफ़ेद को पंजाबी में बोलते हैं चिट्टा. तो वो चिट्टा जो रंग का होता है वो उसके ऊपर डालते हैं, फिर नीचे से उसको आग लगाई जाती है, तो उसको फिर व्हाटएवर स्निफ करते हैं बेसिकली. और वो इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है कि वो नाक में जैसे ही उसका धुआं जाता है आप एलिवेट हो जाते हैं, जो भी हो जाता है. तो ये वाकई में बहुत वो था कि अरे बाप रे. और जितने मैं वीडियोस देख रही थी, पड़े हुए हैं लोग, कुछ नहीं पता, ज़मीन पे, साइड में, मतलब जैसे आप लिटरली कचरे की ढेरी होती है वहीं पे कोई लोग पड़े हुए हैं. अच्छे घरों के बच्चे, ऐसा नहीं है कि गरीब हैं, इनको अच्छे घरों के बच्चे 3 दिन से उठे ही नहीं है क्योंकि नशा लिया हुआ है, पता ही नहीं, खाया पिया कुछ नहीं है, बॉडी में सिर्फ नशा घूम रहा है. तो ये जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यू नो इट्स सच अ एम्पावरिंग थिंग टू डू, टू बी एबल टू से अ स्टोरी एंड होपफुली स्केयर द शिट आउट ऑफ एवरीबडी कि ये हो सकता है भाई. और पंगा ये है हमारी कंट्री में कि सोसाइटी ना बहुत डरती है इन चीज़ों को लाउडली बोल. सबको पता है ड्रग्स है, सबको, छोटे से छोटे शहर की चाची को भी पता है, आप बड़े से बड़े हाई फाई जगह में भी पता है, लेकिन कोई लाउडली बोलने से डरता है. हाँ, सोसाइटी हमारी ना बहुत डरती है इस चीज़ से कि ड्रग्स नहीं, ड्रग्स मत बोलो, अरे कोकेन नहीं, मत बोलो, मत बोलो. उनको लगता है हाय हमारे घरों में तो कोई करो बात, अपने बच्चों के सामने नॉर्मली बात करो कि बेटे ऐसा होता है, ड्रग्स हैं, इससे ये होता है. दिखाओ उनको वीडियोस कि कैसे पड़े हुए हैं, ढेर में पड़े हुए हैं बच्चे. द प्रॉब्लम इज़ कि सोसाइटी ऐसी चीज़ों को टैबू बना के जो उस पर मिट्टी का ढेर डालती है ना, उसकी वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है. क्योंकि हम आप बोलेंगे नहीं तो आप समझाओगे नहीं, समझाओगे वो अपनी जनरेशन समझेगी नहीं, तो उन्हें बचाओगे कैसे. बचाने के लिए बोलना तो ज़रूरी है ना. सो दैट इज़ वॉट आई रियलाइज कि ये मनप्रीत की कहानी है. चिट्टा एक हर, और जैसे एक और टैबू है कि ये पंजाब में होता है, नहीं, इंडिया में नंबर 1 पे यूपी है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, और नंबर 3 पे पंजाब है. हाँ, स्टोरीज़ बनी या ज़्यादा पॉपुलर हुई पंजाब की, लेकिन टैबू ये नहीं होना चाहिए. बात ये नहीं है कि पंजाब 3rd में तो बड़ा शेर काम हो गया, वो भी खराब ही है, हर जगह खराब है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि इस बारे में बात ही नहीं होती. तो चिट्टा वे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ आता है. आई हैव प्लेड द कैरेक्टर ऑफ मनप्रीत, जिसकी कहानी है ये, और उसकी तो बड़ा स्वीट सा है. वो बेचारी बिल्कुल छोटे से पंजाब के ज़िले से आती है, जिसकी सबसे हाई पॉइंट लाइफ में है कि अगर उसका हस्बैंड उसको प्यार से देख ले उसको सिर्फ बच्चा चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। बच्चा हो जाएगा तो अपनी सास के सामने वो हीरो बन जाएगी उसकी लाइफ में। ये नहीं कि क्योंकि ड्रग्स को एसोसिएट करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ या हाई फाई लोगों के साथ। ये मनप्रीत की कहानी है एंड इट इज़ एज रियल एज इट गेट्स। ये छोटे छोटे शहरों में फैला हुआ है और किस तरह से वो जब कोई इसको ड्रग चटा देता है और उस चक्कर में या वो स्निफ कर लेती है, वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पे उसके हस्बैंड उसे प्यार करते हैं, उसे बड़े प्यार से बात करते हैं और उसको लगता है हाय, उसको बच्चा दिख जाता है जो हुआ भी नहीं, उसने कंसीव भी नहीं किया, लेकिन उस बच्चे को अपने गोदी में फील करे क्योंकि आप हेलुसिनेट कर रहे हो, आप एक उस नशे वाली दुनिया। तो उसको वो नशे वाली दुनिया ज़्यादा भाती है, जो रियलिटी है जहाँ सांस डांट रही है, कोई उसको हस्बैंड थप्पड़ मार रहा है उसको, वो उस दुनिया से निकलने के लिए वो ये रास्ता अपनाती है। लेकिन इस चक्कर में उसके साथ क्या क्या होता है एंड देन शी रिटेलिएट्स। द होल जर्नी ऑफ मनप्रीत स्टिल ब्रिंग्स गूज बम्स। I might give 100 interviews, but I will say it with passion because it is so real. You know, छोटे छोटे बच्चों को पेडलर्स बनाया हुआ है आज की तारीख में। 6 से 7 साल के बच्चों को पेडलर्स बनाया हुआ है, क्योंकि ये पेड जो आते हैं ड्रग लॉर्ड्स के जो बंदे या माफिया जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं। छोटे से 6-7 साल के बच्चे को एक टॉफ़ी पकड़ा देंगे, उस पर ड्रग चटा देंगे, तो वो छोटा सा बच्चा जो 6-7 साल का है, उसका अगेन हमारी इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, फेम से लेना देना नहीं है, उसने चाट लिया। तो वो उसी अंकल को देख रहा है कि वो वाली टॉफ़ी कहाँ मिलेगी, और वो बंदा क्या करता है कि तुझे टॉफ़ी दूंगा, पहले जाके ये वाला जाके वहाँ दे कर आ, उसको पेडलर बना दिया और अपना फ्यूचर क्लाइंट बना दिया। ये हो रहा है स्कूलों के बाहर, स्कूल के अंदर, यू नो, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। तो इन चीज़ों के बारे में जब तक हम बोलेंगे नहीं, इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम हो रही है भाई, देखो तो चोट कहाँ लगी है, उसके बाद देखते हैं कौन से स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। अगर चोट ही नहीं बोलते रहेंगे तो सो इट्स दैट। मैम, मैंने आपका परफॉर्मेंस देखा, काफ़ी मतलब मेरे को तो सेंसिटिव लगा, क्योंकि जब हम एक्टर को कोई एक स्क्रिप्ट पकड़ाता है तो बोलते हैं अच्छा ये गुस्से वाला रोल है, अच्छा ये खुशी वाला है, अच्छा ये, लेकिन ये रोल जो है ना काफ़ी डिफरेंट है। इसको करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा, तो आपको कितना टाइम लगा उस चीज़ के लिए, किस हिसाब से आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने आपको हेल्प किया कि दिस इन दिस वे यू हैव टू डू दिस। और सबसे ज़्यादा मतलब जैसे हम होते हैं ना कि यार कोई फ्रेंड को पूछा कि किससे बोलूँ, कि इसको किस तरीके से, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, डेफिनेटली। राजीव सर ने लिखी है ये कहानी, उन्होंने डायरेक्ट भी की है और बहुत ही श्योर हैं वो जो वो शूट करते हैं। सो इट वाज ब्रिलियंट वर्किंग अंडर हिम एंड डेफिनेटली बहुत काम करना पड़ा, क्योंकि मुझे तो सबसे पहले ये था कि इसको अगर पकड़े तो गर्म हो रहा है, उनको चटका नहीं लगता, मेरा तो पहला क्वेश्चन ही ये था, क्योंकि फॉइल भी गर्म होता है ना, आप अगर उसको नीचे से लाइट अप कर रहे हैं तो फॉइल भी गर्म हो रहा है। बोलते हैं मैम इन लोगों को कुछ नहीं समझ में आता, इन लोगों ने एक बार स्निफ कर लिया, ये आग को छुएंगे इनको ना समझ में आएगा, इतना आपकी बॉडी एक अलग टेंजेंट पे पहुंच जाती है। तो टू अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे ये ड्रग आपको खोखला ख़त्म कर देता, यू फिनिश, तो बड़ा वो उस लेवल पे पहुंचना मुझे एज अ मनप्रीत वॉज सो इम्पॉर्टेंट। तो हम शूट करते थे बड़े बड़े वेल के बिल्कुल बीचों बीच, वो शायद एक शॉट उन्होंने रखा भी है प्रोमो में, इट वॉज नॉट ईजी, क्रेन से मुझे वो दिख रहा है शायद, ऐसे आप बड़े उस पर देखेंगे, इट्स अ वेरी डीप वेल जिसके बीचों बीच मुझे रखा गया था कि ये लोग छुपते हैं ना कि पकड़े ना जाएं, तो ये अड्डे ढूंढते हैं। तो हम लोगों ने वो दिखाने के लिए कोई छज्जे के ऊपर मुझे चढ़ा दिया घर के ऊपर, तो ये लोग ऐसे होते, नशेड़ी डरते हैं ना कि पकड़े जाएंगे पिटाई होगी, तो वो लोग क्या करते हैं अलग अलग जगह पे घूमते हैं। तो वो करने के लिए मुझे ऐसी ऐसी जगहों पे शूट भी करना पड़ा एंड आई एक्चुअली थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू शोकेस दीज रियली लाइक सैड यू नो सिचुएशन दैट इज़ हैपनिंग। तो बड़ा मेहनत तो बहुत की, हम गर्म तपती हुई, हम लोग 40 डिग्री ऑलमोस्ट 42 डिग्रीज 43 डिग्रीज में हमने शूट किया लखनऊ में। इट वॉज सो हॉट, मतलब भाग रही है ये, मतलब रोड पे गिर रही है, गरम गरम मिट्टी पे बैठी हूँ मैं। एंड नॉट एज दलजीत, एज मनप्रीत, जब ये दिमाग में आया कि इनको कुछ समझ नहीं आता मैम, इनको फॉइल पता ही नहीं चलता, तो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया कि ये तो बिल्कुल ज़ॉम्बी बन जाते, दे आर ज़ॉम्बीज़। मैम, हाउ इज़ योर सन रिएक्शन? क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा कि बच्चों को बताना, बात करना ज़रूरी है, इस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है, तो किस तरीके से उनका रिएक्शन था? जेडन एक्चुअली बहुत बिजी है, तो उसने मेरा प्रोमो बहुत रफ वो उसने देखा, वो देख नहीं पाया। आई विल शो हिम, आई टॉक अबाउट ड्रग्स टू हिम, आई टॉक अबाउट everything that is important. And I think ये हम जब 11 साल के थे तो 11 साल नहीं थे, हम 8 साल के थे. हमारे पेरेंट्स ने हमको ऐसे शायद दुनियादारी से बचा के रखा. आजकल के जो 11 साल के बच्चे हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया, वो 18 साल के हो चुके, 16 साल के हो चुके, तो अपने आप को ही हम बचा रहे, उनको नहीं बचा रहे. सो आई विल डेफिनेटली शो जेडन माई वर्क, बट आई थिंक इसमें थोड़ा खून खराबा है विच आई माइट नॉट वॉन्ट टू शो हिम, बट आई endorse parents to talk about drugs to your kids. Tell them stranger danger जो हम कहते हैं वो real है. तो आप बताएं कि कोई भी आपको अनजान इंसान मिल रहा है, प्लीज़ मुझे बताओ. इस लेवल पे मैम अभी आपने मतलब पिछले कुछ दिनों से आपके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो कुछ भी हो, काफ़ी बातचीत भी हुई है इस बारे में. और आप जिस तरीके के अभी ये लेके आ रहे हो, मैसेज लेके आ रहे हो, तो आप ओवरऑल लड़की हो औरत हो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी, अपनी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस और मर्ज करने के बाद ओवरऑल? क्योंकि जैसे मैंने एक प्रोमो में देखा कि आपको कोई कहता है कि तुझे चिट्टा चाहिए तो वो बिना सोचे समझे उसकी बात मान लेती है, क्योंकि उस जगह की जो औरत होती है वो किसी की बात मतलब बोल दिया तो मतलब हाँ नशे में सोच रही है कि मेरा हस्बैंड ही सब कुछ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. तो क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगी आप? आई थिंक ये मैसेज सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये आदमियों के लिए भी है, क्योंकि औरतों के साथ ही नहीं आदमियों के साथ भी गलत होता है और बहुत बड़े लेवल पर गलत होता है. औरतें भी गलत होती हैं, आदमी भी गलत होते हैं, सेम वे सिर्फ औरतें नहीं आदमी भी सही होते हैं. सो मेरा मैसेज उन सब के लिए है जो किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, स्पीक अप, डू नॉट गेट स्केयर्ड टू फाइट बैक, स्पीक, टेल. आप जब तक बोलेंगे नहीं आप तक हेल्प आएगी नहीं. तो आई एंडोर्स फाइटिंग बैक. आई एम अ पर्सन हु सेज कि छुप के अपने आप को ब्लैंकेट में ये बोलना कि मैं सेफ हूँ, ऐसा नहीं होता. ब्लैंकेट से निकल के चल के बताना ज़रूरी है. मैम टीवी इंडस्ट्री की भी बात करूँ तो बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस मैं देखती नहीं. किससे कोई फ्रेंड हो आपका? नायरा गई एंड आई नो हर एंड शी इज़ अ डियर फ्रेंड एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई थिंक शी वाज देयर फॉर अ व्हाइल. एंड बिग बॉस बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, बड़ी टफ जगह है. सो लेकिन आप जब बिग बॉस में थी उस दौर का बिग बॉस और इस दौर का बिग बॉस काफ़ी डिफरेंस है, आप कैसे देखती है इस चीज़ को? मैंने अभी रिसेंटली ऑनेस्टली देखे नहीं है, सो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ कंपेयर. आई थिंक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव बिन अ पार्ट ऑफ द बेस्ट बिग बॉस लाइक दिस से, चाहे मुझे बहुत कम समय मिला हो, बट आई वाज विद वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ एंड ऑल्सो आई थिंक आई एम जस्ट वेरी प्राउड दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ, चाहे अ स्मॉल पार्ट बट अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिग बॉस. सो आई थिंक आई एम जस्ट अ लकी पर्सन लाइक दैट. आज भी डिस्कशन होता है विवेन डिसन को, जैसे आप जानती होगी, वो याद करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला को, really? याद कर रहे तो वो दौर जो था आज भी याद होता है. बिल्कुल, देखो सिद्धार्थ को तो वैसे ही कोई नहीं भूल सकता. एंड आई थिंक या इट वाज अ ग्रेट सीजन फॉर श्योर. मैम लास्टली क्या कहना चाहोगे अपने ऑडियंस को, फैंस को, जो एक नए अंदाज में आप उन्हें नजर आने वाली है और आगे भी इसी तरीके से आप जो सोशल मैसेज के साथ आती है जब भी आती हो, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी का, मेरे इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए. आपने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार किया है, बहुत एनकरेज किया है. और आई थिंक कमिंग अप विद दिस वेब शो इज़ अ वेरी इमोशनल एंड अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थ्रू दीज मीडियम्स जो आप लोग हैं, आई रियली होप कि ये काम दिखे, इससे और काम मिले और मैं एम्पावर हूँ एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल, ताकि आई लुक बैक टू अ सक्सेस स्टोरी, नॉट अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल. सो आई वॉन्ट टू लुक बैक एट माई ओन स्टोरी कि यार अच्छी एक्टर थी और मेरी एक्टिंग या मेरा काम सेंटर स्टेज लिया, एंड नॉट द स्ट्रगल्स दैट आई वेंट थ्रू. सो आई वॉन्ट टू बी नोन एज अ सक्सेसफुल, इंस्पायरिंग, स्ट्रॉन्ग वुमन बाय द एंड ऑफ इट. सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ प्लीज़ चिट्टा वे देखिएगा. आपके पास अगर ये चैनल नहीं है तो इसको डाउनलोड कीजिएगा एंड स्प्रेड अ वर्ड एंड प्लीज़ से नो टू ड्रग्स, से नो. Thank you, thank you. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telly Bytes right away.